अरे दूल्हा कहाँ गया? दूल्हा दूल्हा कहाँ गया? गाड़ी में गया। अरे तारी छतरी कहाँ गई रे? अरे तू फिर जेजेपी का प्रचार है क्या? बोले जींद में नींद में कुछ भी हो सके। ले भाई फिलहाल जींद ते लाइव तस्वीर तम देख। अरे तम मेरा देख देखो है मेरा बच गए नीनू मेनू। अरे तूफान तम नीनू तो मेरा तूफान आ रहा है। चलो फिलहाल ये है लाइव तस्वीर तम देखने लग रहे हो जींद से जबरदस्त तूफान की लाइव तस्वीरें। जितने भी दर्शक फिलहाल जुड़ रहे हैं वह भी अपना अपने इलाके की जरूर बताओ किस तरह के हालात हैं। फिलहाल जींद का भगवान परशुराम चौक पे लाइव तस्वीर तम देखने लग रहे हो। और ये देखो भाई बहुत ही जबरदस्त तूफान के साथ साथ बारिश जबरदस्त तरीके से बारिश दिन भर यानी अगर पिछले दो तीन दिन की अगर मैं बात करूं तो बहुत भयंकर गर्मी थी। तूफान की रुकी तूफान की तस्वीरें तो हम जबरदस्त तस्वीर तूफान की ये देख सको भाई। फिलहाल जो है ये तूफान की जबरदस्त बारिश की तस्वीरें ये देखो भाई पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और ये देखो ये फिलहाल जो है जींद का बारिश भी क्योंकि पिछले अगर दो तीन दिन की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही मौसम में भयंकर गर्मी थी भयंकर वाली बहुत जबरदस्त वाली गर्मी थी। और जिसका परिणाम ये होया जितने भी फिलहाल दर्शक जुड़ रहे हैं लाइव में अपने अपने इलाके की जानकारी जरूर दो क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर रखी थी। पंचकुला समेत करनाल पंचकुला और इधर के जो इलाके हैं उनमें भी जबरदस्त मौसम खराब की यानी कि आंधी और तूफान और ओले कांकड़े की अगर मैं बात करूं तो कई जगह ओले कांकड़े की भी घोषणा जो है वो मौसम विभाग ने कर रखी है। और ये देखो भाई ऊपर तक भगवान फोटो भी खींचा है यानी कि राम बरसा है और ऊपर तक बिजली जबरदस्त तरीके से बिजली कड़कन लग रही है। हवा भी तेज है आधी का हवा तो तू भी ले रहा मनीषा लागे कुछ हवा तो तू भी ले रहा है तो इस कुछ हवायु वीरू ले रहा है कुछ हवायु शुभम ले रहा है। ये देखो भाई ये जिनके शादी के प्रोग्राम थे वहाँ गड़बड़ाएंगे रुकी मत पड़ाएंगे। देखिए देखो भाई ये फिलहाल जो है ब्याह शादियों के सीजन भी चल रहा है। और अरे तू शीशा ऊपर कर दिया पानी पानी आ गया गाड़ी में दूल्हा भेज गया दूल्हा तू मन ने भी क्यों फिर गाड़ी में पानी आ गया कर फिर आगे ले पी कर दे पी। तो फिलहाल जो है बहुत जबरदस्त तरीके से जींद के अंदर मौसम जो है मौसम ने एकदम करवट बदली है। तो उस करवट बदलते ही जींद की जो फिजा है वो चेंज होगी है। हालांकि लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं जी एक मिनट और अरे तू फिर जेजेपी का प्रचार है उतर लिया थोड़ा स्लो कर। ये देखो भाई बारिश मौसम खराब होने की वजह से दूल्हा घोड़ी में तो उतर के फरार हो लिया है। अरे दूल्हा कहाँ गया? दूल्हा दूल्हा कहाँ गया? गाड़ी में गया। अरे तारी छतरी कहाँ गई रे? ये एक बात है भाई एक बात हाजिर जवाब भी देखो भाई हरियाणा वाले की हाजिर जवाब भी देखो। हाँ ये दूल्हे गाड़ी भाई यानी कि घोड़ा गाड़ी से उतर के है और दूल्हा ने मजबूरी में इसमें बैठना पड़े भाई। ये देखो ये दूल्हे गाड़ी है और ये दूल्हा अपने अपना हरियाणा में कहावत है बोले भाई जो जो कड़छी चाट नी उसका ब्याह में बारिश होया करे है। रुकवा दो जी की मैंने ये बतेरे फुहारे तो कई जगह पूरी की पूरे मौसम के मिजाज की अगर मैं बात करूं तो भाई तो काफी जबरदस्त चल रहे हैं। और पाछे हमारा एक कुआरा बैठा है बाकी दो तो ब्याह था है। भाई तू करछी ना चाटी है जा तुमने करछी चाटी तो तेरे ब्याह मनु तूफान पूरी कढ़ाई चाटनी है। तो चलो खैर ये शुक्र है कि जो अपने किसान भाई हैं उनका फसल का जो काम है वो 100% बन गया है। और न्यारनाज टेम पे जो है खेत में उठाकर मंडी में तो वो सारा काम कम्प्लीट हो गया तो ये भी शुक्र है। और फिलहाल की जो बारिश की अगर मैं बात करूं तो किसानों के लिए काफी फायदेमंद है बिल्कुल जी बहुत ही लाभदायक है। अगली फसल की अगर मैं बात करूं उसके लिए बहुत फायदा होगा फसल और... फसल नहीं जी वातावरण खातर भी बिल्कुल क्योंकि नहीं बिल्कुल जरूरत पड़ती रहे ना बिल्कुल जो जो वातावरण में खराब भी होता है प्रदूषण चल जाता है डस्ट है जैसे या फिर फसल की आटा है पॉल्यूशन है उसमें भी काफी सारी कमी आएगी। और फिलहाल जो है एक ले लेगा एक जरूर समस्या बन गई है खोल ले रहा था हमें कमेंट बटन लेगा दे एक जरूर समस्या बन गई है कि जो
ब्याह शादी जिनके आज के प्रोग्राम थे खास तौर पे नाइट के, थोड़ी थोड़ी गर्मी दूर हो जाएगी ना। फिर भी भाई समस्या है ना, ना कुछ नहीं कुछ तो फिलहाल कुछ कमेंट देखियो। ये देखो भाई, ये देखो फिलहाल जो है जश्न का माहौल है। और ये देखो ये तस्वीरें तो हम देखने लग रहे हो। आज का साया भी काफी तकड़ा था, काफी प्रोग्राम थे हमारे भी लगातार न्योंदे चल रहे हैं। आज का जो है हमारे बात का प्रोग्राम भी था, हमारे भांजे का ब्याह था आज। देखियो उचाणा में बारिश, उचाणा में बारिश चल रही है, बता दे रहे हो भाई कमेंट रहे। नाम बताया थोड़ा रोकी बाढ़ है, आतिशबाजी भी दिखाया जाए दर्शकों ने। ये देखो भाई ये आतिशबाजी चल रही है जबरदस्त तरीके से। मोहन भाई भाई पर चला तोड़ा। हाँ हाँ मोहन भाई का कमेंट आया भाई, मोहन भाई नु का उच्चारण में बारिश हो रही है। जसबीर भाई कमेंट आया छत्र में बारिश। अच्छा छत्र में बोले नहरों नहर भैरो भैर कर सिंधु पहुंच जाएंगे। बोले नहरों नहर भैरो भैर सूटो सूट टापो टाप। अच्छा पानीपत में भेजेंगे भाई, बोले पानीपत में पानी नहीं, पहाड़गंज में पहाड़ नहीं है, वो काम हो गया। और दरियागंज में दरिया नहीं। तो फिलहाल जो है जितने भी भाई वो बता जो जो अपना अपने शहर का। ये देखो तूफान की अगर मैं बात करूं, ये देखो भाई थोड़ा रुकी आ रहा है। ये देखो तूफान की, ये देखो किस तरह से। अरे तू फिर जेजेपी का प्रचारक है क्या? है मेरे तूफान वोट क्या? ये देखो भाई फिर अच्छा रहा तू तो एक बात है भाई, मनीषा लागे तू जेजेपी तो मिला है। ये देखो बहुत ही जबरदस्त तूफान है। और ये देखो अमृत भाई का, ये देखो कमेंट क्या देखा, क्या देखा रे? बोले ये देखो बोले ये ना ना या तो पहले ही खड़ी थी झूठी खबर नहीं। तो फिलहाल जो है जींद लाइव तस्वीर देखने लाइक बोले जींद में नींद में कुछ भी हो सके। ये देखो भाई ये जींद बाईपास, ये देखो बैनर फैल गया है, काफी सारा तूफान रुका रोला खुड़का दड़का चुकड़ता चल रहा है। और आंखों देखा हाल हमने धरती बताया है। फिलहाल ये जींद के हालात है, जितने भी दर्शक फिलहाल जुड़ रहे हैं वह अपना अपना इलाका का हाल जरूर बता दियो। पंचकुला में क्या हालात हैं, करनाल में क्या हालात हैं, कुरुक्षेत्र में क्या हालात हैं। हालांकि चुनावी सरगर्मियों की अगर मैं बात करूं तो बहुत जबरदस्त है। पारा जो है वो सो तो भी पार जा रहा है। और ई पे मनोज भाई का कमेंट आया कि रोहतक में भी बारिश चल रही है। और 10 की 10 लोकसभा सीटों की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा एनालाइज दे दे भाई इस तूफान में, एक तूफानी खबर भी दे दे तरते ही के मारा दौरा बहुत से मारे गुप्त सूत्र है। उन्हें मत एक मारा गुप्त सूत्र दौड़ा जो कि जानकारियां का बरकर लिया जोड़ा। और उसने न्यू बताई है लोकसभा की जो 10 सीटें हैं उन 10 में तय लगभग 7-8 सीटा के ऊपर तो बीजेपी की बढ़त बन रही है और 2 से 3 सीटा पे कांग्रेस की बढ़त है। बाकी ये बढ़त है अलग अलग समीकरण और नतीजे चेंज होते रहेंगे। के का था भाई तूने ना छोटा था बदल आज हमला हो गया उसका काफी लगा जी। हाँ ये आज की बड़ी खबर है भाई। बताऊँ क्या है कि देखा ऐसा हमला करने का समाधान थोड़ी है। बिल्कुल ये तरीका गलत है, ये तो प्रचार तो सारे कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा। बिल्कुल इस तरह का खिलाफ है हमले करने, अपनी वोट का अधिकार रखो, बिल्कुल वोट दो, वोट मांगो, प्रचार करो, लेकिन इस तरह की जो चीजें वो गलत है भाई। वोट मांगना उनका अधिकार है लेकिन वोट देना हमारा अधिकार है। बिल्कुल हम किसे तो देवा। तो नैने चौटाला के काफिले के ऊपर जो हमला हुआ उसकी हम देख रहे हैं। वीडियो न कर दो जी लागे शेयर, शेयरिंग का कर दो फतूर ताकि